इसको इसको कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी, ये देखो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, अभी मैं ही खाना निकाल रहा चूतिया, इसके पेपर मतलब अभी कल ही है और ये आके हमारे वहाँ मौज कर रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल अनिकेत अग्रजी व्लॉग्स। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ, ये देखो भैया सौरभ सुबह 5 बजे से उठा हुआ है, तब से पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, और इसका मतलब एग्जाम है। कब है भाई तेरा एग्जाम? एक को एग्जाम है और आज है 30 है आज ये, सुबह से 5 बजे से पढ़े जा रहा है। मैंने इसको पानी वानी दिया मतलब खाने वाने के लिए, तब जाके कुछ खाया पिया वरना खा नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। और ये साला चूतिया, इसके पेपर मतलब अभी कल ही है और ये आके हमारे वहाँ मौज कर रहा है। दिखा भाई चेहरा, क्या बोला क्या बोला? इधर आके ये बकचोदी कर रहा है, अपने हॉस्टल में ना रह पा रहा और हमारे रूम पे आके बकचोदी किए जा रहा है। और ये अनिकेत अग्रहरी अभी खाना नहीं बनाए हैं, खाना नहीं बनाया है। और गाइस देखिए मुझसे लोग कितना काम कराते हैं, आइए दिखाते हैं आपको, मुझसे खाना वाना बनवाया गया है, दिखाता हूँ गाइस। मैंने इतना गंदा सा दाल बनाया है लेकिन खाने में अच्छा है। देखने में नहीं अच्छा लग रहा, दिखाते हैं खोल के भी आपको। देखिए गाइस, और जो स्टूडेंट्स का क्या होता है आइडियल भोजन होता है दाल चोखा और सब क्या उसको बोलते हैं चावल। तो ये मैंने देखो बढ़िया सा इसमें आलू वालू डाल दिया है। दाल पता नहीं पकी है कि नहीं, शायद देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन यही खाएंगे हम लोग क्योंकि भाई छिद्दूपुर की लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, सही बात है। फिलहाल अभी मैं दाल खाली करके चावल चढ़ाने वाला हूँ, तो वो कुछ भी। हाय गाइस, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल हम लोग ये वाला वीडियो, अरे मेरा वो कपड़े का जाएगा, मैं कमा लूंगी। तो ये तुम कौन सा देना चाह रहे हो, ये अपलोड थोड़ी करोगे? अपलोड करेंगे बक, बक क्या घर वाले हमारे देखते हैं वीडियो, थोड़ी करोगे बस, करेंगे बिल्कुल करेंगे। अरे प्लीज यार ये मत करना, अच्छे लग रहे हैं। अरे तो गाइस ये मुझे क्या कर रहा है, वो दे रहा है टिप्स दे रहा है कि मतलब ये पूछो, अरे बंद तो कर पहले। तो ये मुझे टिप्स दे रहा है कि भी यहाँ पे जा ऐसे पूछ वैसे पूछ, मतलब मेरे को वीडियोस बनाने के टिप्स दे रहा है क्योंकि मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज पे कंटेंट बनाऊं। तो इसलिए ही इज सजेस्टिंग मी समथिंग लाइक क्वेश्चनिंग सम क्वेश्चन। देखो मेरा कुछ नहीं है, तू ही कह रहा था मुझसे कि मुझे किसी से कुछ पूछना है ऐसे वाला रिएक्शन वाला, तो मैंने आइडिया दे दिया, मुझ पे ब्लेम मत लगा। नहीं मतलब बता, अरे यार तेरी से तारीफ मैं कर रहा हूँ, देखो हाँ तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मेंशन करो ना कि ये तारीफ है। तो ये चूतिए लोग होते हैं जो तारीफ को भी ना समझ पाते हैं कि वही तारीफ मैं कर रहा हूँ। फिलहाल तारीफ वारीफ बात की बात करो, मतलब अभी मैंने खाना बना लिया है और अब मेरा क्या ड्यूटी है कि मैं सबको सर्व करूँ। सबको नहीं सिर्फ तुम दोनों को। अरे तू खा क्या है? आई एम नॉट गोना ईट हियर। तो भाई क्या मतलब, वैसे मेरा काम नहीं है लेकिन मैं ऐसा करता हूँ प्रेम से, और इसको इसको कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। देखो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, अभी मैं ही खाना निकाल के दूंगा तब तो खाना खाएगा, मतलब कभी मुझे ना खिला के देगा कि भैया ये लो थाली वाली में निकाल के दे दे। देख रहे हाय हाय। तो एक शब्द कहा गया मत कहिए। हाँ तो नहीं कहेंगे। हाँ तो फिर मैं खाना निकाल के दिखाता हूँ आपको, मतलब कितना प्यार से यार मैं देता हूँ, वैल्यू नहीं है इसको साले की। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कंटेंट नहीं है भाई। क्या बोला तूने? कमेंट करके सजेस्ट करो इन्हें क्या भाई। कंटेंट है भैया, बहुत कंटेंट है, लेकिन थोड़ा क्या ही होता है, फनी वनी बना देते हैं, आप लोग भी देखिए मजे कीजिए। और क्या मतलब ये जब पढ़ना ना हो तब देखना, और क्या उसको बोलते हैं भाई, माइंड फ्रेश करना, तो माइंड फ्रेश करना इसको देख के, इससे कुछ ना फ्रेश होगा माइंड फ्रेश करना। क्या बोला क्या बोला? ये गाइस देखो मैंने खूब बढ़िया सा ऐसे चोखा लगा दिया, मतलब बहुत अच्छा लगता है भाई, मैंने बहुत बढ़िया बनाया है। मैं सो के उठ गया हूँ, खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद लग रही थी और मैं सो गया, कब 6 बज गए मुझे पता भी नहीं लगा,
लेकिन अब मैं उठ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ लंकेटन करने, ये पढ़ाई वढ़ाई करने में बैठा था लेकिन मन नहीं लग रहा था, तो अभी मैं जा रहा क्या करने लंकेटन करने, तो वहाँ का वहाँ पे दिखाते आपको। चलिए लंकेटिन में निकल चुके हैं और लंकेटिन भैया करने वाले हैं। हमारा दोस्त आकाश आया हुआ है हमारे साथ और कुछ खिलाएगा अभी हमको। क्या खिलाएगा भाई? चलो यार तुम जो खाओगे खिला दिया जाएगा। बस वीडियो में बोल रहे हैं, बस वीडियो में बोल रहे हैं, असली में खिलाने वाला नहीं है। इस झांसे में ना पड़ना कि पैसे पे करने वाला है। तो भाई अभी इसको बोलते हैं लंकेटिन। हम लोग ऐसे लंका के जो साइड में ये क्या इसको बोलते हैं फुटपाथ नुमा बना होता है, वहीं पे हम लोग घूमते हैं। और हाँ पीछे अरे मोमोज उस साइड खाएंगे, यही है मजा आ रहा होगा। वीडियो में आ रहे हैं आप हमारे व्लॉग में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? इधर थोड़ा चेहरा तो दिखा दीजिए। हाँ एक स्टैंड ले रहे हैं 10 रुपए का। हम लोग मॉल में घुस गए थे और घुसने के बाद ऑब्वियस सी बात है कपड़े तो पसंद आए, लेकिन पैसे देख के हम लोग भाग निकले। भाग निकले का मतलब घूमने के बाद निकल आए, कुछ खरीदा वरीदा नहीं। इस कंजूस को मैंने बोला कुछ खरीद ले भाई, लेकिन ये साला बस गरीबी का आलम ये रोना बस रोता रहता है। एनीवे मुझे चाहिए नहीं था, ऑलरेडी मैंने लिया हुआ कपड़े तो फिर मुझे चाहिए नहीं थे, तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। देखो ये और दाम देख के 400 टी शर्ट छोड़ के भाग नहीं, दाम देख के क्या, मुझे अगर चाहिए रहा होता तो मैं ले लेता। एनीवे तो अब हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने। करना चाहे अपने भाई को कर सकता है, एड्रेस। हाँ यार देखो भैया, कोई पेमेंट अगर कुछ मतलब एज अ गिफ्ट करना चाहता है तो प्लीज मैं एड्रेस दे दूंगा पर्सनली। मेरे को DM करना इंस्टाग्राम पे, आई विल गिव यू माई एड्रेस एंड यू कैन पे और यू कैन पटवारा चढ़ो। एनीवे अभी मैं जा रहा हूँ मोमोज खाने। अभी मैं जा रहा हूँ मोमोज खाने, तो आइए दिखाता हूँ मोमोज की शॉप और काफ़ी टेस्टी लगता है मोमोज वहाँ का। लेट्स सी रहे हैं भाई हमारे मोमोज, ये गरीब और ये अमीर। तो ये भाई टेस्टी मोमोज, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, महक बहुत अच्छी आ रही है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ खाने और यहीं मैं करता हूँ, नहीं अभी यहीं नहीं करूँगा, आगे करूँगा। ठीक है हो गया हमारा लंकेटिन खत्म और मोमोज खाने बस आए थे मेनली, लंकेटिन क्या करने आए थे, लेकिन घूम घूम लिया मॉल वॉल भी फ्री का, एसी की हवा खाली। वैसे एसी की हवा तो हमारे BSU की लाइब्रेरी में भी है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।